यह कहानी एक जादुई कहानी है, क्योंकि इसमें एक लड़के को एक जादुई सपना आता है और कुछ दिनों के बाद यह सपना पूरा होने लगता है। तो कहानी का मजा लेने के लिए कहानी को पूरा सुनो। इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जिसकी 3-7 मछलियाँ दोस्त होती हैं, इसलिए इसके पिता ने इसका नाम शार्क बॉय रख दिया था। और उसके पिता एक समुद्री ऑफिसर थे, इसलिए इनका टाइम समुद्र में ही निकलता था। और एक दिन एक भयंकर तूफान आने से इनकी नाव टूट जाती है और यह दोनों बाप और बेटे अलग हो जाते हैं। लेकिन शार्क बॉय को उसकी फ्रेंड शार्क मछलियां बचा लेती है और उसको अपने साथ लेकर चली जाती है और उसको तैरना और पानी में रहना सिखा देती है। और कुछ दिनों के बाद उसका शरीर शार्क मछली की तरह दिखने लगता है और उसके दांत भी शार्क की तरह आ जाते हैं। और दूसरे सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लोफी होता है, जो अपनी कक्षा में एक कहानी सुना रहा होता है, जिसमें वह बताता है कि मुझे शार्क बॉय एक समुन्द्र के किनारे मिला और वह उसको अपने घर लेकर भी आया। और वह शार्क बॉय को कांच की बनी बाल्टी में रखा करता था। और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक लड़की आई जिसका नाम फायर था, और वहाँ पर वो शार्क बॉय को लेने आई थी, क्योंकि उसको अपनी दुनिया को बचाने के लिए शार्क बॉय की जरूरत थी। लेकिन शार्क बॉय उसके साथ जाने से मना कर रहा होता है, तो फायर गर्ल के मनाने के बाद वह मान जाता है। और उसके बाद फायर गर्ल और शार्क बॉय हमेशा के लिए वहाँ से जाते हैं। लेकिन स्कूल में लोफी की कहानी सुनकर सभी उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, और यह देखकर लोफी को बहुत गुस्सा आता है और वह नाराज हो जाता है। तब लोफी के टीचर उससे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। और इसके बाद वाले सीन में लोफी घर जा रहा होता है, तब उसके साथ कुछ शैतानी लड़के लड़ाई करने लगते हैं और इसकी नोटबुक छीन लेते हैं। और अगले सीन में रात का सीन देखते हैं, जहां लोफी सो रहा होता है, तभी उसे बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। और वह वहां जाकर देखता है कि वहां पर उसके मम्मी और पापा होते हैं और वो लोफी को सोने के लिए कहते हैं। और अगले सीन में लोफी स्कूल जाता है और अपनी नोटबुक उस बच्चे से छीन लेता है और नोटबुक खोलता है, तो वह देखता है कि उसने उसको पूरा खराब कर दिया है। इसे देखकर लोफी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी बुक से उस लड़के को मारता है। तभी वहां पर एक जोरदार तूफान आता है और उस तूफान के साथ फायर गर्ल और शार्क बॉय आ जाते हैं, जो कि वहां पर लोफी को लेने के लिए आए थे। लेकिन लोफी को वह एक सपना लग रहा होता है और आंखें बंद करके खुलता है तो वह दोनों सामने खड़े होते हैं और उससे यकीन हो जाता है और उसके साथ बैठकर फायर गर्ल की दुनिया को बचाने चला जाता है। और वहां जाते हैं तो लोफी को याद आ जाता है कि यह सब तो उसने सपने में देखा हुआ है। तब फायर गर्ल कहती है कि यह तुम्हारा सपना ही है और यह दुनिया तुमने ही बनाई है और यह दुनिया खत्म होने वाली है और हम तीनों को मिलकर इसे बचाना ही होगा। यह कहकर यह तीनों आगे बढ़ते हैं तो लोफी देखता है कि कुछ बच्चे रो रहे होते हैं। तब लोफी कहता है कि यह सब क्या हो रहा है। तब शार्क बॉय कहता है कि यह एक गेम है जो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसे लाइटमैन ने खराब कर दिया है और हमें लाइटमैन को मारना है और उसके बाद हमें इस दुनिया को बचा पाएंगे। इसके बाद फायर गर्ल और शार्क मैन उसे झूले को अपनी शक्तियों से रोक देते हैं और वह दोनों उसे झूले पर बैठकर लाइटमैन को खोजने चले जाते हैं। और वे झूला उनको लाइटमैन के पास लेकर चला जाता है और वह लाइटमैन लोफी के टीचर होते हैं। और इसके बाद उनमें लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तब फायर गर्ल लोफी से कहती है कि तुम अपने सपने में याद करो कि इस लाइटमैन को कैसे मारना है। तब लोफी कहता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है और इसी कारण तो मैं अपने सपने को अपनी डायरी में लिखता हूँ। और इसके बाद लाइटमैन उन सबको उठाकर बाहर फेंक देता है। और वहाँ पर शार्क बॉय लोफी से कहता है कि
तुम कुछ भी करके अपने सपने को याद करो। तब लोफी कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी नोटबुक पृथ्वी पर रह गई है। दूसरे सीन में लाइटमैन को आवाज सुनाई देती है और वे दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। और दूसरी तरफ शार्क बॉय लोफी को दूसरा सपना देखने को कहता है, लेकिन वे आंख बंद करता है। तब उसे बहुत जोर की भूख लगती है। तब शार्क बॉय उसे कुछ खाने के लिए देता है और उसके बाद उसे अपने सपने याद आने लगते हैं। और उसके सामने एक रोबोट आता है जिसे उसने अपने सपने में बनाया होता है। और इसके बाद लोफी उससे पूछता है कि हम इस दुनिया को कैसे बचा सकते हैं। यह सुनकर वो रोबोट लोफी से कहता है कि यह तो तुम्हें तुम्हारा सपना ही बेचा सकता है, और तुम्हें सपना देखने के लिए तुम्हें सोना पड़ेगा। और वह रोबोट लोफी को सोने के लिए एक जगह बताता है। और उसके बाद वे तीनों रोबोट पर बैठकर बिस्किट और दूध की दुनिया में चले जाते हैं। और आगे कुछ देर चलने के बाद रोबोट उन्हें तीनों को एक बस में बैठाकर वहां से चला जाता है। लेकिन वो बस दूध और बिस्कुट की दुनिया पर नहीं रुकती है, इसलिए उन तीनों को बस से कूदना पड़ता है। और वह तीनों बस से कूद जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वहां पर उन्हें काफी बड़े बड़े बिस्किट और दूध के झरने नजर आते हैं। और उन्हें दो बड़े बड़े लोग नजर आते हैं जो लोफी के माता पिता की तरह दिखते हैं। और लोफी का पिता उस बिस्किट को खाने ही वाला होता है जिस पर वह तीनों खेल हुए होते हैं। और वे तीनों उस बिस्किट से नीचे गिर जाते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। और उसके बाद लोफी को नींद आने लगती है। और उसे नींद आने के बाद शार्क बॉय की शक्तियाँ बढ़ने लगती है। लेकिन वहाँ पर लाइटमैन भी आ जाता है और वह उन पर हमला करने लगता है। इसीलिए फायर गर्ल लोफी को नींद से उठा देती है। और वे तीनों बड़ी मुश्किल से लाइटमैन से जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद फायर गर्ल लोफी से कहती है, तुम दिन में भी सपने देख सकते हो। और यह सुनकर लोफी खड़े खड़े सपने देखने लगता है। और इस बार फायर गर्ल अपनी शक्तियों की सहायता से लोफी के सपने में जो दिख रहा होता है उसका चित्र बनाती है। और वह चित्र एक हीरे की तरह होता है। और इसके बाद वह तीनों उसे लेने के लिए चले जाते हैं। और वह एक नदी के पास जाते हैं और इस नदी के किनारे एक पुल बना हुआ होता है। और इसके बाद वो तीनों उस पुल के सहारे सहारे चलने लगते हैं। लेकिन फायर गर्ल की गर्मी से वह पुल टूटने लगता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से वह इस पुल को पार कर देते हैं। लेकिन उनकी किस्मत बहुत खराब होती है क्योंकि वहां पर लाइटमैन आ जाता है और वे उन तीनों को वापस अपनी गुफा में लेकर आ जाता है। वहां पर वही शैतानी बच्चा होता है जो लोफी का स्कूल में दुश्मन होता है, और इसने ही उनको पकड़ाया था। और उसने लोफी की नोटबुक में सब कुछ बदल दिया था और इसी के कारण इनको इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। और इसके बाद वह तीनों को एक जादुई पिंजरे में बंद कर देता है। और पिंजरे के कारण इनकी शक्तियां कम हो रही होती हैं। लेकिन यह सब शार्क बॉय को अच्छा नहीं लगता है और वह एक ही लात में उस पिंजरे को तोड़ देता है। और वैसे सभी वहां से आजाद हो जाते हैं। और इसके बाद फायर गर्ल वहां पर अपनी बाइक बुलाती है और इसके बाद वे उस बाइक पर बैठकर उसे हॉट को लेने चले जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो हीरा बर्फ के बने पहाड़ के ऊपर रखा हुआ होता है। उसे लेने के लिए शार्क बॉय बर्फ पर चढ़ता है लेकिन वो वहां से नीचे गिर जाता है। और इसके बाद लोफी ऊपर चढ़ता है और वो वहां चढ़कर उस हीरे को लेता है। तो वो बर्फ धीरे धीरे टूटने लगता है और इसके कारण लोफी के हाथ से वह हीरा छूट जाता है। और उनकी किस्मत अच्छी होती है इसलिए वहां पर नीचे खड़ी फायर गर्ल उसको पकड़ लेती है। इसलिए फायर गर्ल खुद बर्फ से जम जाती है और उनकी मुसीबत वहां पर खत्म नहीं होती है। तभी वहां पर बर्फ के राक्षस आ जाते हैं और वह उन तीनों को पकड़कर बर्फ की रानी के पास ले जाते हैं। तब वे रानी उनसे पूछती है कि
तुमने इसे चुराने की कोशिश किस लिए की? तब लोफी उस रानी को पूरी बात बताता है और लोफी कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और यह सुनकर रानी का पिता कहता है कि यह बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खराब है। और रानी कहती है कि मैं यह हीरा तुम्हें बस एक शर्त पर दे सकती हूँ। और यह सुनकर लोफी उस शर्त के लिए हाँ कर देता है। तब रानी उनके सामने बहुत सारे बर्फ के क्रिस्टल खड़े कर देती है और उन सभी पर वो हीरा होता है। और लोफी से कहती है कि अब तुम्हें असली हीरा को चुनना होगा। तब लोफी को रानी के गले में वह हीरा नजर आता है। तब वह कहता है कि वह हीरा तुम्हारे गले में है। और यह सुनकर रानी बहुत खुश होती है और उसको वह हीरा देती है। और इसके बाद वह तीनों हीरे को लेकर लाइट मैन के पास चले जाते हैं। लेकिन वहां पर उनके लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है क्योंकि वह हीरा अपनी शक्तियां नहीं दिखा रहा होता है क्योंकि बर्फ की रानी ही उसका उपयोग कर सकती थी। और यह सब देखकर शार्क बॉय को बहुत गुस्सा आता है और बर्फ को पिघला कर पानी में कूद जाता है। तभी वो लाइट मैन उस पानी में कट छोड़ देता है और शार्क बॉय को कट आ जाता है और वह पानी में बहोश हो जाता है। और यह सब फायर गर्ल और लोफी देख रहे होते हैं और फायर गर्ल पानी में कूद जाती है और वो शार्क बॉय को बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर लेकर आती है। और कुछ देर बाद शार्क बॉय को होश आ जाता है और वो देखता है कि फायर गर्ल बहोश होती है, इसीलिए फायर गर्ल को वो पास ही ज्वालामुखी में फेंक देता है जिसकी वजह से फायर गर्ल की शक्तियां और बढ़ जाती हैं। और दूसरी तरफ लोफी की शक्तियां बढ़ जाती है और वह अब दिन में भी सपने देखने लगे जाता है। और इसके बाद लोफी उस शैतान बच्चे के पास जाता है और कोई जादुई मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फेंकने लगता है जिसकी वजह से शैतान बच्चे का सिर काफी बड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ शार्क बॉय लाइट मैन को पानी में गिरा देता है जिसकी वजह से लाइट मैन पर बहुत सारी शार्क मछलियां अटैक कर देती है और लाइट मैन का अंत हो जाता है। और दूसरी तरफ लोफी भी उसे लड़के से कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए और तुम्हें अपने सपने खुद ही देखना चाहिए। और इतना कहकर लोफी उससे हाथ मिलाने वाला होता है लेकिन वह लड़का नीचे गिर जाता है। तब लोफी सही समय पर उसे बचा लेता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और इसी के साथ ही यह खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। और दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।